गाइस, टुडे वी लर्न द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जमीर के एग्जाम, आज हम सीखेंगे जमीर के एग्जाम कौन कौन से हैं और कितने हैं। अपने तौर पे बच्चों को सिर्फ 7 या 8 जमीर के किसी भी एग्जाम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डीप होके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम प्रोनाउन के 9 या 8 एग्जाम हैं जो मैंने तरतीब में बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सवालिया ज़मीर या इसका फॉर्म। नंबर 2 पे है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम ज़मीर खालिस कहते हैं, जो खास हो। नंबर 3 पे इंडेफिनेट प्रोनाउन, ज़मीर मुबहम या छुपा हुआ। नंबर 4 पे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम ज़मीर मौसूल या वसूल करने वाला कहते हैं। नंबर 5 पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। और नंबर 6 पे है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इशारा, जो इशारा करे या जो इशारे में बताए। नंबर 7 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे ज़मीर तकसीम विरासत वाला कहते हैं। नंबर 8 पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़मीर मुबादला, जो किसी के बदले में इस्तेमाल हुआ हो। और नंबर 9 पे पोजेसिव और पजेसिव प्रोनाउन, जो ज़मीर माल कहते हैं, जो किसी की ओनरशिप दिखाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे अपने पहले टाइम पे जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नाउ इन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर के एग्जाम में हम सबसे पहले सवालिया ज़मीर या ज़मीर इस्तफहाम की डेफिनेशन देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। आप देखें, सच प्रोनाउंस व्हिच यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उनको ज़मीर इस्तफहाम या सवालिया ज़मीर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखें, ये मैंने लिखे हुए हैं WH वर्ड्स नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे ज़मीर इस्तफहाम या सवालिया ज़मीर, जिसमें है व्हाट, व्हिच, हू, हूज, होम, व्हेन, इटीसी। अब आप इनका यूज देखें, सबसे पहले जो ज़मीर है वो यूज होता है जब उसके साथ कोई नाउन ना लगा हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट के साथ ही मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। नंबर 2 पे है हू इज दैट गर्ल, वो कौन सी लड़की है। व्हिच इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कौन सा है। तो अब एक वो होता है कि स्टूडेंट्स जो है बेचारे कभी कभी हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं कि भाई WH वर्ड्स या जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आप WH वर्ड्स वाले सेंटेंस लिखते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उनमें उनको तकलीफ होती है कि इनमें से हम पहचान कैसे करें कि ये ज़मीर इस्तफहाम है या फिर जो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हैं। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि अगर आपको वो चूज करना जो ज़मीर के एग्जाम में से है ज़मीर इस्तफहाम का, तो सबसे पहले आप देखोगे कि WH वर्ड्स के साथ कोई नाउन ना लगा। अगर नाउन लगा होगा तो फिर वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि वो होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ पे आप देखोगे कि WH वर्ड के साथ कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ। अगर WH वर्ड के साथ कोई भी नाउन ना लगा हो तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो लिखा है, ये जो WH वर्ड है, वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन।